चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, राजेश मसाले। सुख समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाएं किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। गलियों से निकलकर आसमान की बुलंदियों को छूते हुए मंजूर अहमद बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मंत्री। जी हाँ, अगर मंजूर अहमद की बात की जाए तो लॉकडाउन में गरीब असहाय तक राशन पैसा पहुँचाने का कार्य किया और जो भी मदद हो सकी लोगों तक पहुंचाई। आज उनके संयुक्त मंत्री बनाए जाने पर मोहल्लेवासियों ने उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और सभी ने उन्हें लड्डू खिलाकर बधाइयां दी। इसी कड़ी में मंजूर अहमद ने बताया कि आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त मंत्री का पद दिया। ये हम सभी मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है। जिस तरह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर गलत अफवाह फैलाई है वो पूरी तरह से गलत है। आज मुझे संयुक्त मंत्री बनाकर सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि वो सभी समुदाय के साथ हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का पूरा लाभ जनता उठा रही है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, राशन की बात हो या पेंशन की। सरकार हर तरह से जनता की पूरी मदद कर रही है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को लेकर गलत अफवाह फैलाते हैं, आज ये साबित हो गया कि पार्टी सभी समुदायों के साथ है। और आज जिस तरह से मोहल्लेवासी ने सम्मान किया, मैं उनका दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने मुझे माला पहनाकर सम्मान दिया, मेरे लिए गर्व की बात है। इस मौके पर अवध प्रांत प्रभारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच डाटा अनिल सिंह हाजी मोहम्मद सईद हरीश चंद्र वर्मा शमशाद खान वसीम खान बच्चा गुप्ता रचित सोनकर गोपाल सोनकर डब्बू सोनकर नीतू सिंह सीमा खान आदि लोग मौजूद रहे। बनाया गया उससे हम लोग बहुत खुश हैं और यहाँ का पूरा मोहल्ला फतेहगंज खीर गली बलिया टोला सब्जी मंडी हजारों लोग इनके साथ हैं। और मंजूर अहमद जो ऐसे हैं ये कार्य करने वाले में से हर लोग इनके पास आते हैं, सब लोग इनसे जुड़े हैं, हम लोग भी इनसे जुड़े हैं। ये बहुत मतलब काम कार्य के लिए जाने जाते हैं और सब खुशी का माहौल है यहाँ, हिंदू मुस्लिम सब इनके साथ में है कि मंजूर भाई इतना बड़ा पद मिला, इसलिए हम लोगों ने इनको हार पहना के स्वागत किया, एक दूसरे को हम लोगों ने लड्डू खिलाया और यही सब ने इनको बधाई दिया। इन्होंने क्या किया, सबको राशन बांटा इन्होंने और सबकी मदद किया, हर एक चीज से सब लोग इनके पास आते जाते रहे और बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए। आया था इससे पहले मोदी जी का, इन्होंने बर्थडे किया था, 26 किलो का केक बनाया था, 50 किलो इन्होंने मिठाई बांटी, सब बहुत खुश थे। एक दूसरे को केक खिलाया गया, 600-700 जोड़ी चप्पल इन्होंने सबको बांटी महिलाओं को, तो इसलिए सब लोग इनसे खुश हैं, महिला लोग सब इनके साथ में समझ रहे। भारतीय जनता पार्टी भाई के बारे में पूरा शहर जानता है, वो बहुत बड़ी समाजसेवी हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका है और हर गली मोहल्ले में वो नित्य नवीन कार्य करते हैं। इन कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए टीम मोदी सपोर्टर संघ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जिसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकरण सिंह जी हैं और संयुक्त मंत्री हैं पांडे जी हैं, इन लोगों ने इनके कार्यों को देखते हुए और आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी के इनकी सराहना भी करते रहते हैं, इन सब कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने जो उनको प्रदेश का संयुक्त मंत्री का पद दायित्व दिया है और आज उसी कड़ी में पूरे शहर में जो है जगह जगह इनका स्वागत किया गया है और हम लोग भी अपने संगठन के साथ आज यहाँ भी खड़े हैं और इनका यहाँ पर भव्य स्वागत कर रहे हैं। पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो दावा है कि सबका साथ सबका विकास, उस परिप्रेक्ष्य में वो निरंतर कार्य कर रही है, जिसका सुखद परिणाम है कि आज जो लोग मुस्लिम समाज को इससे दूर करने का प्रयास करते थे, आज मुस्लिम समाज ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उसी का एक परिणाम मंजूर अहमद जी हैं जो निरंतर इस विचारधारा से लगे रहे और भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो
प्रदेश की सरकार रही हो उसमें भी बड़ा योगदान रहा इनका, चाहे वो मोदी जी की सरकार रही हो तो उसमें भी ये माननीय लल्लू सिंह के साथ प्रचार प्रसार में लगे रहे। जब माननीय बैद जी का चुनाव आया उसमें लगे रहे, जब मेयर का चुनाव आता है हर कार्य में, यही नहीं इनके साथ यहाँ सैकड़ों की टीम है। हाजी हाजी सईद जी हैं, अच्छा तमाम राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जो आप तो यहाँ के लोकल लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि यहाँ के हजारों मुसलमान ये सब दूर रखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और जो भविष्य की जो रणनीति होने वाली है अब वह दिन दूर नहीं है कि भारत का 80% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने जा रहा है। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह मंजूर अहमद का तो मैं मित्र हूँ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और प्रांत का मेरे पास दायित्व।